देखिए, इस वक्त हम राजधानी पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में मौजूद है, जहां बिहार वर्सेज मुंबई के बीच मैच चल रहा है। और इस स्टेडियम में हमारे साथ साथ बिहार के करीब 5 से 10 हज़ार समर्थक भी पहुंचे हैं। मगर ये स्टेडियम है, ये जंगल, एक बार आप खुद देखिए और खुद डिसाइड कीजिए। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये दर्शक दीर्घा का नज़ारा है, जहां पर जंगल झाड़ जो है वो पूरे उगे हुए हैं। सबसे पहले तस्वीर देखिए कि कितने समर्थक, भारी से भारी संख्या में यहाँ जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और आप इस पूरे स्टेडियम का अगर नज़ारा देखेंगे तो काफ़ी जर्जर है, पूरा जंगल झाड़ है और हर जगह क्रैक है, हर जगह दरारें जो हैं वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर खतरा है खड़े होकर के मैच देखने के लिए, बावजूद यहाँ पर जो समर्थक हैं, बिहार में क्रिकेट की दीवानगी है कि भारी से भारी संख्या में जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे जिस तरीके से स्टेडियम की स्थिति है, क्या स्टेडियम की स्थिति इसको देखकर क्या कहेंगे? बहुत खराब स्थिति है बिहार का स्टेडियम का, स्टेडियम की स्थिति को देखकर एकदम जर्जर स्थिति है। यहाँ सबको राजनीति से अपना रोटी सेकने से छुट्टी मिलेगा तभी किसी चीज़ का विकास होगा, आप यही समझ लीजिए। इतना जर्जर स्थिति में युवाओं की संख्या इतना बड़ी संख्या में आया हुआ है, अगर जो सही से विकास, बैठने की व्यवस्था रहे तो क्या आप इस जनसंख्या को कितना डबल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहाँ का एकदम जर्जर स्थिति है, फिर भी रिक्स लेके सभी बिहार का युवा देख रहा है मैच। क्या कहिएगा स्टेडियम को देख करके, डर लग रहा है? खतरे वाला स्टेडियम, खतरनाक स्टेडियम एकदम, देख रहे इधर उधर पूरा टूटा हुआ है, जंगल झाड़ उगा हुआ है, पूरा आग उग लकड़ी उकड़ी पूरा जला के रखा हुआ है, कोई साफ सुथरा नहीं है, कुछ नहीं है। मैच देखने में मजा आ रहा है? मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन डर नहीं लग रहा है? डर भी लग रहा है, अब क्या करे। क्या कहिएगा इसी स्टेडियम की स्थिति को देखकर, क्या कहिएगा? अरे डर तो लग रहा है, स्कोर का पता नहीं चल रहा है, कौन कितना रन बना रहा है, क्या बताएं यहाँ, बस हल हल्ला कर रहे हैं आके, कुछ होता तब ना व्यवस्था यहाँ पे, पता नहीं चल रहा है। स्कोर बोर्ड आप देखिए और वहाँ पे थोड़ा फोटो तो लीजिए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस स्टेडियम, स्कोर बोर्ड है वो बाबर आजम का स्कोर बोर्ड है, आकर थोड़ा देख लीजिए। सबसे पहले आप ये नजारा देखिए, सामने हमारे स्कोर बोर्ड लगा है जो कि पिछले कई सालों से खराब है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और यहाँ पर जो दर्शक देखने आए हैं उनको स्कोर का मालूम भी नहीं चल पा रहा, क्योंकि एक से छोटे से बोर्ड पर उधर स्कोर बताया जाता है, बाकी ये लोग केवल मैच देख रहे हैं। कितना स्कोर हुआ बताइए? कुछ नहीं पता है, बस हम लोग कुछ नहीं है। शुरू में जब हम लोग आए हैं तो पता ही नहीं चला कि बैटिंग कौन सी टीम कर रही है, मुंबई कर रही है या बिहार की टीम कर रही है, ये हमको पता नहीं चल रहा था। तो कल से मैच यहाँ पे चल रहा है, स्कोर कितना हुआ कुछ जानकारी मिल रहा है? नहीं, वो तो घर जाते हैं तब नेट से पता चलता है, यहाँ तो नेट भी नहीं चल रहा, इतना क्राउड के घर से गूगल बता रहा लेकिन नहीं बता रहा, गूगल बता रहा लेकिन यहाँ पे नहीं पता चल रहा है, स्कोर बोर्ड का पता नहीं चल, नहीं पता चल रहा। उत्साह देख रहे हैं, लाखों लाखों में हम लोग आए हुए हैं, लेकिन लाखों तो नहीं लेकिन हजारों में जरूर है। जी जरूर जरूर, देखने वाली बात है। और हम ही लोग से आज उमेश, मुकेश कुमार, ईशान किशन जैसे क्रिकेटर हमारे बिहार का ही देन है, लेकिन हमारे जब युवाओं के वो देख रहा है भीड़, तो बिहार सरकार पर बहुत जल्दी लेगा संज्ञान, बनाएगा, शुरुआत अभी हुआ है तो अब टाइम लगेगा ना, इसमें शुरुआत अभी हो ही गया है, खेला जाते से पहले नहीं होता था। स्कोर क्या हुआ पता चला? कोई स्कोर पता नहीं चला अभी, नहीं पता नहीं। चलिए कुछ लड़कों से जान लेते हैं, इधर कुछ और लड़के हैं उनसे पूछते हैं कितना स्कोर हुआ है, उन लोगों से मिलते हैं और उन लोगों से जानते हैं कि ये स्कोर कितना हुआ है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से मैच को खड़े होकर ये लोग बड़े ही आराम से देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं। कितना स्कोर हुआ आप लोग को पता है? 34 स्कोर बोर्ड लगा हुआ ही नहीं है, स्कोर दिख रहा है, स्कोर पता चल रहा है, स्कोर बोर्ड ही खराब है तो स्कोर पता क्या चलेगा, स्कोर बेकार स्टेडियम है, स्टेडियम सही नहीं है, कंडीशन डाउन है स्टेडियम का। देखिए स्टेडियम में गड्ढा, देखिए जहाँ पर दर्शक खड़े हैं यहाँ पे गड्ढा है और इसके अंदर भी गिर सकते हैं। ये देखिए कहाँ, क्या बताइए, यहाँ गड्ढा में अंदर खड़ा होकर मैच देखिए, देखिए यहाँ पे गड्ढा है और खिलाड़ी जो कह रहे हैं यहाँ अंदर खड़ा होकर के मैच देखिए। स्कोर का कुछ पता चल पा रहा है भाई? स्कोर का कुछ अपडेट नहीं है, कुछ अपडेट नहीं है। चलिए नीचे कुछ और लोग हैं यहाँ पे स्टेडियम में, देखिए उतरने में भी काफी रिस्क है लेकिन मैं लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना स्कोर हुआ कुछ पता चल रहा है? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, आगे आने के बाद कुछ ना, एक घंटा से यहाँ खड़ा है, ऐसे खाली देख रहे हैं, कुछ महसूस नहीं हो पा रहा है। स्टेडियम को हमको तो लग रहा है कि जहाँ खड़ा है ये अभी मत गिर जाए। हाँ, जितना संख्या में है, डेंजर जोन का बोर्ड लगा है, फिर भी आप लोग आए हैं, डर लग रहा है स्टेडियम में? बहुत डर लग रहा है, फिर भी क्या करे, पहला बार है तो देखने का उत्साह कुछ अलग है। क्या लगता है सरकार को बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? सरकार को तो बहुत पहले इस पे ध्यान देना चाहिए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है, जब तक लोग मरेगा नहीं तब तक सरकार। जी क्या स्कोर हुआ है कुछ पता चल रहा है स्कोर का? नहीं, कोई जानकारी नहीं, ना कमेंट्री हो रहा है, ना स्कोर बोर्ड है, कुछ भी नहीं जो है सो जानकारी, हम लोग ऐसी देख रहे हैं। एक होता है कहीं पे टाइम टाइम पे अपडेट कर दिया जाता है, वो कोई अपडेशन भी नहीं मिल रहा है कि 10 ओवर बाद इतना रन हुआ या इतना विकेट गिरा, कोई सुविधा के नाम पे तो कुछ नहीं, ऐसा थोड़ी बीसीसीआई से फंड तो आता ही होगा,
पहली बार मैच हो रहा है, अच्छा लग रहा देख कर। बस यही सरकार से उम्मीद है कि इसको और भी बढ़ा चढ़ा के ऊंचे स्तर पे कराया जाए, जिससे कि आने वाले जो पीढ़ी है उनको भी अच्छा अनुभव हो। और ये नजारा देखिए, हम आपको पीछे की तरफ का नजारा दिखाएंगे। देखिए कितना दूर दूर तक स्टेडियम में अगर आप देखेंगे तो आपको दर्शक दीर्घा में दर्शक जो है वो भरपूर मात्रा में भरे नजर आएंगे, मगर अपने रिस्क पर, क्योंकि ये स्टेडियम जो है वो खतरे से खाली नहीं है। इसकी जो दीवारें हैं वो क्रैके आ चुकी है, कितनी सारी क्रैक्स हैं इस दीवार में, और उस पर भी दर्शक जो है वो बैठे हैं। यहाँ पर गड्ढे हैं, गड्ढे में खड़े होकर के मैच देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार को, या फिर कह सकते हैं कि स्टेडियम प्रशासन को भी इसमें देखने की जरूरत है कि किस तरीके से यहाँ पर स्थिति जो है वो काफी खराब है स्टेडियम की। देखिए किस तरीके से दीवारों में दरारें जो हैं वो आ रखी है, बावजूद हजारों हजार की संख्या में समर्थक जो हैं वो मैच देखने के लिए पहुंचे हैं। और सबसे पहले ये नजारा देखिए, ये टावर है और इस पे पानी टंकी रखने के लिए टावर जो था है वो बनाया गया था। और आपको बता दें कि ये इस स्टेडियम का सबसे ऊंचा पॉइंट है, उसके भी दीवारों में क्रैक आ चुका है, लेकिन वहां भी 50 से 60 की संख्या में समर्थक जो है वो अपने जान जोखिम में डाल करके वहां से मैच देख रहे हैं। लेकिन स्टेडियम की इस कंडीशन को देखिए, जब इतना बड़ा मुकाबला हो रहा है, बड़े बड़े स्तर के खिलाड़ी पटना पहुंचे हैं, बावजूद इस स्टेडियम की कंडीशन को देखिए, जरूरत है इस स्टेडियम को रेनोवेट करने की, जरूरत है इस स्टेडियम का मरम्मत करने की। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।